बकाउल मुहाफिका, एक दूसरे को देख कर के रोना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ अपने बाप के कब्रस्तान पे ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। जब कब्रस्तान पे पहुंच जाते हैं, अल्लाह के नबी रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगते हैं, सहाबा किराम अल्लाह के नबी को देख करके रोने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे को देख करके रोना अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और ऐसा रोना सही भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी को देख करके सहाबा किराम रोने लगे। आगे चलिए, बुकाउर रिक्क व रहमा, रिक्कत कल्बी की वजह से रोना, नरम दिल होने की वजह से रोना। एक इंसान है, उसके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, उसके सामने कुरान की आयतें सुनी जाती हैं, बेचारा बहुत नरम दिल इंसान है, उसके सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो रोने लगता है। अल्लाह की डर की वजह से, अल्लाह की खौफ की वजह से वो रोना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे रसूल उबै इब्ने काब के पास आते हैं, कहते हैं उबै इब्ने काब कुरान पढ़िए। उबै इब्ने काब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या बात है, आप हमें कुरान पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? उबै इब्ने काब को अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि ऐ उबै इब्ने काब, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा कि जाओ उबै इब्ने काब से जा करके कुरान सुन लो। मेरे प्यारे साथियों, उबै इब्ने काब जब सुनते हैं रोना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर के कहा। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे देखिए, रिक्कत कल्बी की वजह से रोना। अल्लाह के प्यारे रसूल बिस्तरे मर पे हैं, मस्जिद के अंदर जाने की ताकत नहीं है। आपने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि ऐ आयशा, मुरवबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरवबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। ऐ आयशा, अबू बकर को कह दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती हैं, कहती हैं अल्लाह के नबी, आप मेरे अब्बा को नमाज पढ़ाने के लिए ना कहिए। रजुल रकीकुल क़ल्ब फ़ैज़ा क़रअल क़ुरआन ग़लबुल बुका। आए मेरे प्यारे अब्बा, आए मेरे प्यारे हबीब, आए मेरे शौहर नामदार, आप मेरे अब्बा को नमाज पढ़ाने के लिए ना कहिए। फ़ैज़ा क़रअल क़ुरआन ग़लबुल बुका, जब मेरे अब्बा के सामने कुरान पढ़ी जाती है, जब आप मेरे अब्बा के सामने कुरान पढ़ते हैं तो मेरे अब्बा रोने लगते हैं। आए अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा बहुत नर्म दिल इंसान है। मेरे प्यारे साथियों, तो एक दूसरे को देख करके रोना और फिर उसके बाद रिक्कत कल्बी की वजह से रोना, ऐसा रोना अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। और आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसा रोना पसंद है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने बयान फरमाया, बकाउल महब्बा, महब्बत की वजह से रोना। आज आपके घर में, हमारे घर में माँ है, हमारे घर में बाप भी हैं, हमारे घर में भाई भी मौजूद हैं, हमारे घर में बहन भी हैं, हमारे घर में फूफी भी है, हमारे घर में खाला ही भी है। हमें याद आने लगती है, हम रोना शुरू कर देते हैं। बाप की याद आती है, हम रोने लगते हैं। माँ की याद आती है, हम रोने लगते हैं। भाई की याद आती है, हम रोने लगते हैं। फूफी की याद आती है, हम रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा रोना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर यूं नहीं समझ में आया तो यूं समझ लीजिए, हजरत मुगीस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का वाकया ज़ादुल माद अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है कि हजरत मुगीस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने बीवी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। हजरत मुगीस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी गुलाम है, उनकी बीवी आजाद हो गई है, उनकी बीवी आगे आगे जा रही है। हजरत मुगीस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उनके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे छोड़ करके ना जाना, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो। इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है आंसुओं से भीग जाती है। हजरत मुगीस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे छोड़ करके ना जाना। मेरे प्यारे साथियों, अपने बीवी की मोहब्बत में हजरत मुगीस रोने लगते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा रोना अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब है, ऐसा रोना सबसे ज्यादा महबूब है।
और आगे चलिए, अल्लाह को कैसा रोना पसंद है, कुरान सुनकर के रोना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पास आते हैं, कहते हैं, आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कुरान पढ़िए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, आए अल्लाह के नबी कुरान तो आपके ऊपर नाजिल हुई है, आए अल्लाह के नबी कुरान आप पढ़िए, कुरान अल्लाह ने आपके ऊपर उतारी है। अल्लाह के प्यारे रसूल कहते हैं, आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आप कुरान पढ़े, मैं सुनना चाहता हूँ। चुनांचे कारी कुरान अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सूरह निसा की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जब इस आयत पे पहुंच जाते हैं, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, अल्लाह के नबी कहते आए, आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ठहर जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर कयामत का जिक्र किया है, कयामत के मनाजिर का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर कयामत के दिन का जिक्र किया है, उस दिन जब सारे लोग मैदान महशर के अंदर इकट्ठा कर दिए जाएंगे, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मुझको सारे लोगों का गवाह बना करके मैदान महशर के अंदर खड़ा कर देगा। आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ठहर जा, आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कुरान पढ़ना बंद कर दे। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत का जिक्र किया है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत के मंजर का तज़किरा किया है। तो ये है कुरान सुनकर के रोना। आज हमारा नौजवान भाई कुरान सुनता नहीं है, आज हमारा नौजवान भाई कुरान पढ़ना नहीं जानता है, आज हमारा नौजवान भाई जो है गुनाहों के अंदर मुलव्वस नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान भाई अपनी गुनाहें कर रहा है, खुद भी कर रहा है, दूसरों को भी गुनाहें पर आमादा कर रहा है। हमारा यही नौजवान भाई है, ऐसा कि नमाज के बाद बिस्तर पे चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ओ मेरे बंदो, तुम्हें कल कयामत के दिन तुमसे सवाल की जाएगी, कल कयामत की जवानी के बारे में सवाल होंगे। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो तुमने जवानी को कहाँ गुजारा है। अल्लाह अल्लाह अकबर, ओ मेरे नौजवान साथियों, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दोगे? आज गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं, आज कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान को देखते भी नहीं है, कुरान को सुनते भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुरान पढ़ने वाला जन्नत में ऐसे मकामात में होगा, जन्नत के सबसे बड़े बड़े मकानात में, जन्नत के सबसे आला दर्जे में हाफिज कुरान को, कुरान पढ़ने वाले को दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये है कुरान सुन करके रोना, कुरान पढ़ करके रोना, और ऐसे रोने को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों।